हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं स्टेट फूड टूरिस्ट सीरीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाटर टैंक की। तो वाटर टैंक डिज़ाइन करना एक अलग ही एक वाइड फील्ड है और इतना इजी आप इजीली वाटर टैंक डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में केवल ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन होगा कैसे मॉडलिंग और कैसे लोड लगाया जाता है वाटर टैंक में। तो वाटर टैंक की अगर हम बात करें तो वाटर टैंक होता है सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर भी होता है। तीन तरह के वाटर टैंक होते हैं, रेस्टिंग ऑन ग्राउंड और आपका एलिवेटेड और आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ठीक है। और इसके कंपोनेंट होते हैं, साइड वॉल होती है, ठीक है, इसकी बेस प्लेट होती है, बेस स्लैब, साइड वॉल और एक ऊपर डोम टाइप का होता है, ठीक है। कॉलम्स होते हैं अगर एलिवेटेड है, बीम्स होते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका वाटर टैंक, ठीक है। जो इसकी साइड वॉल्स होती हैं, इस पर लीनियर बेयरिंग लोड लगता है ऐसे, ठीक है। यानी कि अभी आपको यहाँ बताता हूँ मैं, ये वाटर टैंक है अगर, तो ये इसमें पानी भरा हुआ है, तो इसमें जो अगर पानी की वजह से जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा लीनियर बेयरिंग होगा ऐसे, इस वॉल पे भी ऐसे होगा और जो बेस है आपका उस पर यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन है और चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। वाटर टैंक की मॉडल, न्यू प्रोजेक्ट स्पेस वाटर टैंक, मीटर किलोमीटर यूनिट रहने देते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक डायमेंशन ले लेते हैं ज्योमेट्री की वाटर टैंक की। पेंट में बना लेता हूँ, फिर उसी को देख देख के हम उसकी आगे मॉडलिंग बनाएंगे। तो मान लीजिए वाटर टैंक ये है आपका, ठीक है। ये वाटर टैंक कुछ इस तरह से होगा, और ये होंगे इसके आपके फाउंडेशन कॉलम, ठीक है। हम मान लेते हैं ये 2 मीटर है, और ये है आपका 5 मीटर, और यहाँ भी आपका 2 मीटर, ठीक है। और ये जो है आपका, ये है आपका 10 मीटर, और जो विड्थ है आपकी ये मान लेते हैं 4 मीटर, और ये वाली विड्थ मान लेते हैं हम सर 3 मीटर, और ये वाली विड्थ मान लेते हैं 5 मीटर। एक हमने रफली डायमेंशन ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हमें वाटर टैंक इसकी मॉडलिंग करनी है तो हमें इसका हाफ बनाना होगा, ठीक है, हाफ पोर्शन बनाना होगा। अगर हम इसका हाफ ले लें, ये सॉरी, ये हाफ पोर्शन हमें इसका बनाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपके वाटर टैंक की हाइट है वो है 10 मीटर, 10 मीटर, 12, 5, 17 और 2, 19, ठीक है। तो हमें हाइट कितनी चाहिए इसमें, 19 मीटर। तो ग्रिड को एडिट कर लेते हैं, वाई में चाहिए हमें 19 मीटर, ठीक है। फ्रंट व्यू में जाते हैं, ओके। हमारी जो विड्थ है टैंक की वो है 5 मीटर, ठीक है। तो हमें हाफ बनाना है, 2.5 मीटर से बनाना है,
तो हमें एडिट करके इसके जो स्पेसिंग है एक्स में वो 0.5 ले लेते हैं, ठीक है ऐसे। तो देखिए यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, ये सबसे ऊपर जो है आपका, ये जो है ये 1.5 मीटर है, क्योंकि टोटल 3 मीटर था, है ना। तो हमें लेना है ये 1.5 मीटर, तो 1 मीटर, 2 मीटर और ये 1.5 मीटर, ठीक है। 1.5 मीटर के बाद 2 मीटर नीचे और 1 मीटर आगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये, फिर आपका ये है कितना, 5 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, फिर 1 मीटर अंदर है, 2 मीटर, फिर आपका ये ऐसे है, फिर कंट्रोल दबा के हमने ये ऐसे कॉलम बना दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से है, डायमेंशन चेक कर लेते हैं एक बार, 5 मीटर, 2.5, 2.5, सॉरी ये हमारा 2.5 ना होके 1.5 होना चाहिए था, तो इसको डिलीट करते हैं। एक हम जनरली बना लेते हैं, ये बन चुका हाफ पोर्शन टैंक का। अब क्या करना है, आपको उसको सिलेक्ट करना है, सर्कुलर रिपीट टूल पे जाना है और येलो कर्सर से सेंटर वाला सिलेक्ट करना है और 360 20 स्टेप्स ले लेते हैं, लिंक भी कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ये लाइन आपके चारों तरफ रिपीट हो गई, ठीक है। ये आपका टैंक बन चुका है, यहाँ पे हो गया आपकी फिक्स सपोर्ट, सपोर्ट लगा दी हमने, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर आपका ये जो पोर्शन है आपका, यहाँ सब जगह प्लेट्स होती हैं, कोई कॉलम और कोई बीम नहीं होता, केवल होते हैं आपके रिंग बीम, ठीक है, और ये हर जगह प्लेट्स बनी होती हैं। तो हमको प्लेट्स कैसे बनानी है, हमें क्या करना है, बीम कर्सर से हमने टैंक का ऊपर कैसे सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया न्यू व्यू, अब इसके टॉप व्यू पे जाओ आप, ठीक है, और एक ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लो सही से और सबको डिसलेक्ट, ठीक है। मैंने एक ट्रायंगल सिलेक्ट कर लिया टॉप व्यू में जाके, अगर मैं अब इसको देखता हूँ आइसोमेट्रिक में तो इस तरह से पूरा सिलेक्ट हो गया, एक स्ट्रिप सिलेक्ट हो गई, न्यू व्यू में जाना है। अब इस स्ट्रिप पे क्या करना है, आपको प्लेट बनानी है, तो ये प्लेट कर्सर से हमें यहाँ पे प्लेट बना देंगे, 4 नोड हैं हमारे पास। अब ये जो रह गई है ऊपर ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल प्लेट बनेगी, तो ट्रायंगल प्लेट के लिए क्या करना है, हमें इस पे क्लिक करके होल्ड रखना है और ये ट्रायंगल पे छोड़ देना है, फिर ट्रायंगल पे क्लिक करना है और फिर ट्रायंगल के लिए 3 नोड चाहिए। अगर आप 3D में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, प्लेट कर्सर से इसको प्लेट को सिलेक्ट करना है, हम क्या कर रहे हैं चारों तरफ इसको रिपीट कर देंगे, जैसे बीम बनाया हमने एक पोर्शन बनाया उसको रिपीट कर दिया, तो हमने एक पोर्शन प्लेट बनाई उसको सर्कुलर रिपीट कर देंगे, वही 20 स्टेप, क्योंकि 20 हमने बीम बनाए थे, लिंक नहीं करना है और येलो कर्सर से वही जॉइंट सिलेक्ट कर लेना है सेंटर वाला और ओके कर देंगे, आप फुल स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो आप देखेंगे हमने पूरी प्लेट बना दी है, ये देखिए, ठीक है। अब क्या करना है हमें,
जो हमारे बीम्स हैं, ये बीम्स ये डिलीट करने हैं, यहाँ बीम्स होते नहीं है वाटर टैंक में। ये हो गए, ठीक है। और एक चीज और करनी है हमें, राइट क्लिक करके हमने इसे सेलेक्ट करके न्यू व्यू पर गया, टॉप व्यू, ये वाले बीम भी नहीं होते, तो ये इस तरह से हो गया। अब बीम कॉलम को प्रॉपर्टी दे देते हैं डिफाइन, कॉलम को दे देते हैं भाई सर्कुलर, बीम को दे देते हैं रेक्टेंगुलर, और प्लेट को दे देते हैं यहां से थिकनेस, ठीक है। तो सर्कुलर कॉलम फ्रंट व्यू पर जाकर कॉलम सेलेक्ट करो, अप्लाई कर दो, बीम के लिए बीम सेलेक्ट करो, अप्लाई कर दो, और थिकनेस प्लेट के लिए असाइन टू व्यू कर दो, क्योंकि केवल वो प्लेट पे जाएगी। अब देखिए 3D में कुछ इस तरह से दिखाई दे। अब हम लोड की बात करते हैं, सेल्फ वेट एक तो जाएगा इसमें, एक लाइव लोड भी ऐड कर लेते हैं, पानी का लोड जो होगा आपका लाइव लोड में जाएगा, डेड लोड में सेल्फ वेट असाइन टू व्यू। देखिए कोई भी टैंक डिजाइन करना इतना इजी काम नहीं है, केवल यहाँ पे ब्रीफली एक व्यू दिया जा रहा है, इसमें केवल डेड लोड और वाटर का हाइड्रोस्टेटिक फोर्स किस लगाते हैं वो लगाया जाएगा, और विंड लोड सिस्मिक लोड भी लगाया जाता है, लेकिन वो आप सीख चुके हैं कैसे लगाना है, वो सेम प्रोसीजर है। तो लाइव लोड में हमने क्लिक किया, क्या करते हैं सबसे पहले प्लेट कर सकते हैं हम जो टैंक है इसको ले लेते हैं, क्योंकि इसी के अंदर सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्रेशर लगेगा यूनिफॉर्म, बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर पानी का प्रेशर लगेगा यूनिफॉर्म, ठीक है, अगर यहाँ पर हमारा पानी भरा होता है तो, मान लो टैंक में यहां तक पानी भरा हुआ है, तो इस पानी की वजह से यहां पर जो प्रेशर लगेगा वो यूनिफॉर्म लगेगा बेस प्लेट पे, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता है, प्रेशर बराबर रो जी एच, रो डेंसिटी ऑफ वाटर अराउंड 10, जी ग्रेविटी, एच हाइट। मान लीजिए कोई हमारा अपार्टमेंट है, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, 10 फ्लोर की है, और उसके लिए मुझे एक वाटर टैंक बनाना है, तो सबसे पहले मैं बताना होगी 10 फ्लोर तक प्रेशर कितना चाहिए टैब में पानी जाने तक, ठीक है, इस फ्लोर में तक आएंगे। तो हमें प्रेशर पता कर लिया हमने, प्रेशर पता करने के बाद कि हमारा जो वहाँ पे कितनी कैपेसिटी का वाटर टैंक चाहिए, वहाँ पे पानी की डिमांड कितनी है डेली, तो डेली जितनी डिमांड है उसके से मान लीजिए वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम आ गया, इस टैंक का वॉल्यूम रखिए, टैंक के वॉल्यूम में हमें हाइट पता है केवल, और डायमेंशन हमें डायमीटर निकल जाएगा इस वॉल्यूम से। इस तरह से इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं, प्रेशर निकाल लेते हैं। अभी एज्यूम कर लेते हैं 2 किलोन्यूटन/m², एज्यूम जो प्रेशर लग रहा है बेस, ठीक है। तो लाइव लोड में मैंने ऐड किया प्लेट लोड, और इसमें आपका प्रेशर ऑन फुल प्लेट ले लेते हैं -2, और जी वाई ले लेते हैं हम, है ना, ऐड। अब इसको लगा लेते हैं बेस पे, ये देखिए लग गया, ठीक है। अब आते हैं हम लेटरल फोर्स की, लेटरल फोर्स हमारा लीनियर वेरिंग लगता है ऐसे, ठीक है, पानी के जहां तक लेवल था वहां पानी का फोर्स 0 होता है, तो उसको कैसे लगाएंगे, मैक्सिमम होता है आपका जो अपने ये प्रेशर निकाला, वैसे जो साइड बोल है यहाँ पर भी यही बोल लगेगा यूनिफॉर्म, और ये वाली जो बोल है इन पे हम लगा देते हैं ट्रैपेज़ॉइडल। अब देखिए इसको लगाने के लिए क्या करना होगा, आपको किसी एक को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, न्यू व्यू पे जाइए, ठीक है, दोबारा से जाते हैं, हमने ये होल सिलेक्ट किया है, राइट क्लिक किया है, न्यू व्यू, प्रेशर जो हमारा लगना चाहिए वो ऐसे लगना चाहिए इस डायरेक्शन में और ऐसे, ठीक है, इस पैटर्न में,
तो लगाते हैं। पहले इसके देख लेते हैं हम कोऑर्डिनेट क्या है, लोकल ये है। तो लाइव लोड एड प्लेट लोड में हाइड्रोस्टेटिक, और यहाँ से पहले प्लेट सेट कर लेंगे डन। अब मिनिमम जीरो और मैक्सिमम हमारा टू, और लोकल की बात करें तो जेड डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, और वेरिएशन की बात करें तो वाई में होगा। ये है ना आपका वाई, ठीक है। तो उसको लगा के देख लेते हैं, ऐड क्लोज, उल्टा लग गया ये, है ना, देख रहे हैं आप, ये उल्टा, यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे मिनिमम। तो यहाँ कर देते हैं जीरो जीरो और यहाँ कर देते हैं टू टू। अब ये सही लगा हुआ है, ठीक है। अगर स्केल को बढ़ाना है हमें लोड के, तो यहाँ पे क्लिक किया स्केल, और ये क्या है आपका लोड है, लोड कैसा है, प्रेशर है, तो प्रेशर को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब यही हमें सब पे लगाना है जितनी भी हमारी बॉल्स हैं। तो हमने सिलेक्ट किया, सारी बॉल्स को सिलेक्ट किया और असाइन टू सिलेक्टेड कर दिया, सब पे लोड लग चुका है, ठीक है। देखिए तो ये लोड लग चुका है, अब इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज हो चुका है, अब देखते हैं स्ट्रेसेस कैसे जनरेट होती हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग में जाएंगे, प्लेट मैक्सिमम एब्सोल्यूट स्ट्रेस लेते हैं लाइव लोड की वजह से। तो देखिए स्ट्रेस है इसके क्या लेते हैं, ये आपका हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेसेस आ रही है प्लेट। तो लगभग आप सीख चुके हैं वाटर टैंक को एनालाइज करना, डिजाइन आरसीसी की तरह करेंगे। थोड़ी सी और इसमें चीज़ें हैं जो आपको बुक्स बुक या कहीं रिसर्च पेपर में आप पढ़ के इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लगभग इसी तरह से आपका वाटर टैंक डिज़ाइन होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।